टेक्निकल वीडियोस, अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ और इंडियन पीपल्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्रेस कीजिए इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी चैनल का सब्सक्राइब बटन और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आप जुड़े रहें इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी चैनल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक करेंसी के बारे में, जो है वर्ल्ड करेंसी। वर्ल्ड करेंसी का मतलब, जिस तरह से मैं इंडिया से रहने वाला इंडिया का रहने वाला हूँ, तो इंडिया में चल रही है फिलहाल रुपीज़। तो इसी तरह से आपके बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, आपके ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, कोई दूसरी कंट्री होगी तो उनमें भी जो करेंसी चल रही है वहाँ पे टका हो सकती है, डॉलर हो सकती है, पाउंड हो सकती है, रूबल हो सकती है, तो इस तरह की कोई भी करेंसी हो सकती है। लेकिन सबसे अलग एक और करेंसी है जिसका नाम है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो किसी देश की नहीं है, और इसको चलाने वाला भी कोई नहीं है अभी तक। अभी मैंने इसके बारे में यही सुना था कि ये 2009 में स्टार्ट हुई, जनवरी 2009 में, और उसके बाद 2010 में इसको पहली बार यूज़ किया था। जैसे आप मान लीजिए, आप कहीं पे कॉफ़ी पीते हो, चाय पीते हो, या किसी दूसरे काम के लिए, तो वहाँ पे आपने पेमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया, तो 2010 में ये स्टार्ट हुआ था। पेमेंट इसके बदले आप कर सकते थे। तो इसके बाद धीरे धीरे करके इसका ट्रेंड शुरू हुआ, और तकरीबन 2011-12 में इसकी जो प्राइस थी एक बिटकॉइन की, एक बिटकॉइन की इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 60,000 थी। और 60,000 की बात करूँ तो अभी जो करेंसी, इसका जो प्राइस चल रहा है फिलहाल, आज है डेट 11 अगस्त, तो 11 अगस्त को इसका रेट जो चल रहा है अभी, आप खरीदना चाहोगे तो एक बिटकॉइन की कीमत है 2,30,000 के, 30 नहीं, 2,35,000 है। और अगर आप बेचना चाहते हो तो एक बिटकॉइन को आप 2,30,000 में बेच सकते हो। तो मैं इसको इसलिए बनाना चाहता था इस वीडियो को, कि मुझे लगा कि बनानी चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले 1 महीने, मतलब तकरीबन जुलाई में मैंने बिटकॉइन का कुछ हिस्सा खरीदा था। जैसे मतलब मान लीजिए आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद सकते हो, लेकिन आप स्टार्ट करते हो यहाँ पे, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक तरह से, तो ये एक तरह का जुआ ही है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो, और साथ में इन्वेस्ट करने के बाद ये इसका जो प्राइस है, शेयर मार्केट की तरह ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन नीचे आने के बाद ये फिर भी ऊपर चला जाता है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा आपका ये है कि आपको किसी के थ्रू जाना नहीं है इसमें। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट भरना है, ये करना है, वो करना है, वो कुछ नहीं है। अगर आपने पैसे वापस निकालना है, मान लीजिए आपने FD कर दी, उसमें पैसे ज़्यादा बढ़ गए एकदम से, आप उसको नहीं निकाल सकते ऐसे इतनी जल्दी, आपने निकालने का दिल करे आपको तो नहीं निकाल सकते। लेकिन इसमें यह है कि आप उस जब आपका दिल करे आप बिटकॉइन बेच दो, और आपके जो पैसे हैं वो आ जाएंगे आपके अकाउंट में अपने आप ही, जो आपका बनाया हुआ है। तो ये डिजिटल है एक तरह की करेंसी। तो ये सबसे पहले मैंने जुलाई में लिया था, तो मैंने 2,500 रुपये था उस टाइम, इसकी जो कीमत थी 1,65,000 थी। तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया 2,500 रुपये, तो 2,500 रुपये जैसे मैंने पेमेंट किए तो मेरे को एक बिटकॉइन का कुछ हिस्सा मिला। एक हिस्से की बात करूँ मैं तो, जिस तरह से मान लीजिए 1 किलो चावल ले रहे हैं आप, तो 1 किलो चावल का रेट है 40 रुपये, तो 40 रुपये में से मान लीजिए आप लेते हो आधा किलो, तो उसका प्राइस होता है 20 रुपये। तो आप इस तरह से मान लीजिए 1 रुपये का ले रहे हो, तो आपके पास कितने चावल आ सकते हैं आप अपने आप आइडिया लगा सकते हो। 4 रुपये के 100 ग्राम आएंगे, तो उस हिसाब से 25 ग्राम 1 रुपये के आएंगे। तो ठीक उसी तरह से आप एक बिटकॉइन का, अगर मैंने 2,500 लगाया तो उसमें से कुछ हिस्सा आया हुआ, मान लीजिए 0,001 आया हुआ पॉइंट के बाद, तो कुछ इस तरह से आया हुआ। तो मैंने इसको 1 महीने बाद देखा अभी चेक करके, बीच में हालांकि इसकी जो बिटकॉइन की कीमत थी 1,65 से कम हो करके 1,35 भी हो गई, तो उस टाइम थोड़ी मेरे को ऐसे डाउट लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी इसमें चलो रख लेता हूँ ऐसे ही। तो उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया आगे, तो अभी धीरे धीरे करके मैंने अभी देखा इसको 10 अगस्त को देखा, तो 2,22 जा रही थी इसकी जो प्राइस थी, तो अभी ये आगे बढ़ रही है और 2,35 चली गई है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो 2,35 है इसकी जो प्राइस है अभी, और 2,30 है अगर आप सेल करना चाहते हो इसको। तो मैंने लगाया था 2,500, तो मेरे को इन्होंने चार्ज जो किया 2,500 पे, इन्होंने 48 रुपीज़ मेरे से और एक्स्ट्रा ले लिए। इसमें बोलते हैं इसमें कोई नहीं है, लेकिन ये पैसे कहाँ जा रहे हैं फिर। तो मैंने पेड किए 2,548 रुपीज़ टोटल जो पेड किए थे मैंने। और अभी अगर मैं उसको बेचना चाहूँ, जो मेरे पास बिटकॉइन का जो कुछ हिस्सा बचा हुआ मेरे पास, तो आज की डेट में मेरे पास उसको 3,488 रुपये मतलब ले सकता हूँ 1 महीने में ही। आप देख सकते हो 2,500 मैंने इन्वेस्ट किए इसमें, और 48 रुपीज़ और लगे थे इसमें। तो 48 रुपीज़ के बाद आप देख सकते हो इसमें कि 3,400 तक पहुंच गया, तो मतलब तकरीबन 900 रुपये ऊपर जा रहा है, तो 900 रुपये मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको अभी निकाल भी सकता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। तो एक तरह की डिजिटल करेंसी है। आप सबसे पहले एक ऐप से उसको डाउनलोड कर सकते हो, जो आपके जो अगर एंड्रॉयड यूजर्स हो तो आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर। तो इसका जो ऐप का नाम है जेब पे है, ZEB,
और स्पेस है PAY पे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है मोबाइल नंबर के थ्रू और ईमेल आईडी के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अपना बिटकॉइन जो है खरीदना चाहते हो, तो खरीदने के लिए आपको प्रोसेस इसका ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन छोटा ही है। उसके लिए आपके पास दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसमें। पहले तो आपका एड्रेस चाहिए, वो तो सब काम के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पे चाहिए आपकी सबसे पहले नंबर एक बात है, वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड इसमें आप एंटर करोगे तो उसके बाद आपका एंट्री हुई एक हो जाएगी और उसको वेरीफाई करेंगे दिल्ली से। और दूसरी बात इसमें यह है कि आपको ज़रूरी है अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर उसका IFSC कोड, कौन सा बैंक है, क्या ब्रांच का नाम, तो सब उसमें एंटर करना पड़ेगा आपको। और तीन चीज़ें होगी, एक तो एड्रेस नॉर्मल ही है, और दो चीज़ें जो ज़रूरी है इसमें वो सबसे पहले है आपका पैन कार्ड, और दूसरी इसके साथ है आपका जो अकाउंट नंबर है वो, और उसके साथ डिटेल्स आपने सबमिट कर देनी है इसमें। और इसके लिए आपका वो पैन कार्ड का फोटो भी ले सकता है, और जो पासबुक होगी आपको उसका फोटो भी ले सकता है, तो आप स्कैन करके उसको मतलब ऐड कर सबमिट कर सकते हो उसमें। तो उसके बाद आप वहाँ से बिटकॉइन का कुछ हिस्सा ले सकते हो। और जैसे मान लीजिए ये स्टार्ट होता है 1,000 रुपये से लेके मतलब मैक्सिमम है 5 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन छोटी रकम के लिए 10,000 या 50,000 इतने तक है, तो आप मतलब अपने लेवल पे ही इसको ले सकते हो। लेकिन हाँ, इससे अगर ज़्यादा का आपको परचेज करना है, इन्वेस्ट करना है इसमें पैसा, तो आप उसके लिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया जाता है, तो आप उसके ऊपर बात करके ले सकते हो। तो ये एक तरह का जो ही लगा मुझे, तो बीच में जैसे 1.65 का था उस टाइम जब मैंने लिया था, 2,500 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए थे, तो 1.35 पे चला गया, तो उस टाइम मतलब तकरीबन मेरा 2,500 था, तो वो 2,000 रुपये भी दिखा रहा, शो कर रहा था। लेकिन यही है सबसे बड़ा फायदा, आपको पता चल जाता है कि ये ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो उस हिसाब से आप पैसे निकाल भी सकते हो। तो मैंने फिर भी कंट्रोल करके रखा, तो थोड़ा मतलब अभी 1 महीना हो गया कंप्लीट, तो मेरे पास अभी आ जाएंगे 3,300 कुछ रुपये हैं, तो 3,488 रुपये या कुछ ऐसे थे अभी, तो आ रहे हैं। तो बाकी मैं कहूँगा तो नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो इसमें। जैब पे है एप्लीकेशन का नाम, अगर साइट में जाना चाहते हो तो साइट में भी कर सकते हो आप। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसमें शो कर दूंगा कि मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे और कितने अभी हो रहे हैं, वो तो टोटल आपको कर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं जाता हूँ अपने प्ले स्टोर पर। तो प्ले स्टोर में जाकर के मैं जाऊँगा, प्ले स्टोर पे ओके करने के बाद जैसे ओपन होता है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो जेब पे। तो जेब पे जैसे यहाँ पे आएगा बिटकॉइन इंडिया, जेब पे बिटकॉइन इंडिया लिख के आएगा यहाँ पे, तो आप इसके ऊपर ओके कर सकते हो। ओके करने के बाद यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखी है ऑलरेडी एप्लीकेशन, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल होने के बाद ये आएगा ओपन करके। ओपन करने के बाद मेरा यहाँ पे डायरेक्टली पेज खुल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तो अभी का जो रेट है इसका 237 चल रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 235 चल रहा था, लेकिन ये अभी बढ़ गया है, तो 237 इसका आप देख सकते हो। और सेल करना चाहते हो तो इसमें दो प्राइस दिए गए हैं, एक है ये फर्स्ट, ये है बाई, जब आप खरीदोगे तो 2,37,586 में खरीद सकते हो आप बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की कीमत है। और इस तरफ आप देख सकते हो ये है सेल, मतलब 2,31,640 रुपये में आप बेच सकते हो अगर आप बेचना चाहते हो तो। इसी तरह से आप डिपॉजिट है यहाँ पे ऑप्शन, और ये है विड्रॉल का ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। ये है ट्रांजेक्शन जो आपने कर रखी है, तो ट्रांजेक्शन मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे। बिटकॉइन देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे 1 महीने पहले 2,500 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, इन्वेस्ट जो मैंने किए थे, तो मेरे पास जो हिस्सा आया था देख सकते हो आप यहाँ पे, ये हिस्सा शो कर रहा है यहाँ पे कि 0.01515078, एक तरह का मतलब कौन कितने हिस्सा था उसका एक बिटकॉइन का, तो वो यहाँ पे है जो मेरे को 2,500 रुपये में मिला था। तो यहाँ पे दूसरी जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऑर्डर नंबर होता है जो होता है एक तरह का कोड, आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप, सॉरी, तो ये है दोस्तों टोटल वीडियो। और यहाँ पे मैंने 2,500 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो प्राइस चल रहा है 3,610। अगर मैं इसको बेचना चाहूँ सेल के ऊपर ओके करता हूँ तो यहाँ पे सी ऑल और मेरे 3,519 रुपये टोटल बन रहे हैं मेरे पास अभी। अगर मैं इसको सेल कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएंगे 3,519, मैंने किए थे 2,500 रुपये इन्वेस्ट किए थे और 48 रुपीज़ मेरे को एक्स्ट्रा पेड करना पड़े थे। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको सेल कर सकता हूँ अभी। तो यही है वो दोस्तों वीडियो, अगर आप करना चाहते हो तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इसमें, और साथ में आपको पैन कार्ड होना चाहिए और अकाउंट की डिटेल्स आपको इसमें सबमिट करना पड़ेगी, उसके बाद आप परचेज कर सकते हो इसमें से या इन्वेस्ट कर सकते हो बिटकॉइन।
तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थी मेरी वीडियो बिटकॉइन को लेकर के। तो आपने, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने मज़ा भी लिया होगा इस वीडियो का। और साथ में मैं चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अच्छी बात है, वैसे नहीं भी करना चाहते हो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है और ना ही कोई है इसमें, किसी का कोई लेन देन नहीं है। आप जब चाहो अपना बिटकॉइन ले सकते हो, जब चाहो इसमें बेच सकते हो, तो इसमें कोई वो थर्ड पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है, जैसे आप अपने जो बिटकॉइन है आप सेल कर देते हो, सेल करने के बाद आपके जो डिजिटल अकाउंट है उसी में आपकी डिजिटल मनी आ जाती है। उसके बाद आप इसको विड्रॉ करना चाहते हो अपने अकाउंट में, तो आपको 10 रुपीज़ पे करना पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने 2500 रुपये उस टाइम इन्वेस्ट किए थे इसमें, तो मेरे को 48 रुपीज़ यहाँ पे पेड करना पड़े थे एक्स्ट्रा। और जब मैं यहाँ से ले रहा हूँ 3488 रुपये मान लीजिए, तो मेरे अकाउंट में तो आ जाएंगे ऐसे, जो सिंपल जो मैंने अकाउंट क्रिएट कर रखा है जेब पे का। लेकिन इस अकाउंट से मेरे जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे जब जाएंगे तो वो 10 रुपये चार्ज यहाँ पे कटेगा। अब ये किसके पास जाएंगे मुझे भी पता नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और धन्यवाद दोस्तों।